Hello everyone, welcome to Regional IAS Academy. Please subscribe this YouTube channel to get all update on your mobile. हेलो दोस्तों, हमारी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज चल रही है, उसमें हम जो पहले डिस्कस कर चुके हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में बेसिक डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं इसके लिए। और हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट क्यों करते हैं, उसके जो रीजंस हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। इसके अलावा हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP की डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं और रियल वर्सेस नॉमिनल GDP क्या होती है उसके बारे में हम एग्जांपल सहित डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बेसिक चीज़ें जानने के लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये क्या होता है, ये नेट फॉर्म होता है GDP का, बिल्कुल नेट फॉर्म ऑफ GDP। जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं NDP बराबर GDP माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, समय के साथ साथ हर चीज़ की, हर एसेट्स की वैल्यू गिर जाती है समय के साथ साथ। तो जो उसके वैल्यू में जो गिरावट आती है इन द फॉर्म ऑफ मनी, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो जैसे इट इज़ द नेट फॉर्म ऑफ GDP। डेप्रिसिएशन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, डिक्रीज इन एन एसेट वैल्यू कॉस्ट बाई अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन। किसी भी कंडीशन की वजह से, जैसे कि हमने एक आज मशीन खरीदी है, ज़रूरी तो नहीं है आज कोई मशीन 10,000 रुपये में आई, 5 साल बाद भी उसकी कीमत 10,000 रुपये रहेगी, नहीं, वो यूज होते होते उसकी मार्केट कंडीशंस के हिसाब से वैल्यू गिर जाएगी, तो 5 साल बाद इतने की नहीं सेल होगी दोबारा से जितने की आज हमने खरीदी है, तो इसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। अब अगला है NDP इज़ यूज टू अंडरस्टैंड लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन। NDP का यूज़ हम इसलिए भी करते हैं डेप्रिसिएशन के द्वारा जो लॉस हुआ है उसको समझने के लिए। और जो NDP है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा अनाउंस की जाती है। अगला है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP। देखिए GNP क्या होती है, जो GNP में हम मेन जो वर्ड है समझने के लिए वो कैच वर्ड है नेशनल। नेशनल का मतलब होता है हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं हमारे देश के, तो जो कैच वर्ड है नेशनल, जिसका मीनिंग है सिटीजन्स ऑफ कंट्री। अगला पॉइंट है, इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। एक साल के अंदर भारत के लोगों के द्वारा जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं कंट्री में या आउटसाइड इंडियन नेशनल के द्वारा, कंडीशन यहाँ पे ये है भारत के वो लोग हों, चाहे वो भारत के अंदर रह के प्रोडक्शन कर रहे हों या भारत के बाहर रह के, वो हमारे GNP में काउंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, हमारे यहाँ के IFS ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर, जो बाहर अलग अलग कंट्रीज़ में पोस्टेड हैं, तो वो जो इनकम कमा रहे हैं वहाँ पर, वो पैसा कुछ इंडिया भी भेजते हैं, तो वो हमारे GNP का हिस्सा है, लेकिन वो GDP उन देशों का हिस्सा है जिस देश में वो काम कर रहे हैं, वो वहाँ के GDP का हिस्सा है, लेकिन हमारे देश की GNP का हिस्सा है, ठीक है। तो इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ये आपको समझ आ गया। देखिए जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, GNP बराबर GDP प्लस X माइनस M। X का मतलब यहाँ पे ये होता है एक्सपोर्ट, मतलब बाहर जो IFS ऑफिसर काम कर रहे हैं वो इंडिया में कुछ पैसा भेजते हैं, या IT सेक्टर में इंडिया के लोग बाहर काम कर रहे हैं TCS में और माइक्रोसॉफ्ट में, Amazon में, ठीक है, IBM में, तो वो वहाँ से कमाकर कुछ पैसा यहाँ इंडिया में भेजते हैं, रेमिटेंसेस कहते हैं उसको। तो इनवर्ड रेमिटेंसेस, जो बाहर से रेमिटेंसेस पैसा आ रहा है वो एक्स का आ जाएगा। एम का मतलब होता है यहाँ पे आउटवर्ड रेमिटेंसेस, जो माने अमेरिका का कोई व्यक्ति बेंगलोर में इंडिया में रहकर काम कर रहा है, वो कुछ पैसा अपनी कंट्री में भेजता है, तो उसे कहेंगे आउटवर्ड रेमिटेंसेस। तो एक्स का मतलब आपको समझ आ गया, एम का मतलब समझ में आ गया। GDP हम जो है डिस्कस कर चुके हैं पिछले टॉपिक में, GDP का मतलब होता है कि
जो GDP इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ नेशनल ड्यूरिंग 1 ईयर। ठीक है, तो GDP के बारे में आप मैंने बता दिया है, और डिटेल में देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, इन दिस केस द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ कंट्री इज इंक्लूडेड। इस केस में जो इंडिया के रेसिडेंट हैं उनकी इनकम, और नॉन रेसिडेंट मतलब इंडिया के तो सिटीजन हैं लेकिन इंडिया में रह नहीं रहे, बाहर रह के पैसा कमा रहे हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, इनवर्ड रेमिटेंसेस के अंदर आ जाएगा ये। वेयर एज द इनकम ऑफ फॉरेन नेशनल्स हु रिसाइड इन द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री इज एक्सक्लूडेड। वही मैंने बताया, एम अमेरिका का कोई व्यक्ति इंडिया में जॉब कर रहा है, वो कुछ पैसा बाहर भेजता है, तो वो हम GNP का हिस्सा नहीं है, तो एक्सक्लूडेड है ये, मतलब ये जुड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, एक्स माइनस एम इज ऑल्सो नॉन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। एक्स माइनस एम जो वैल्यू आती है उसे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड NFIA के नाम से भी जानते हैं। अब आता है अगला, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर GNP माइनस डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया, समय के साथ साथ एसेट्स की चीज़ों की वैल्यू गिर जाती है, तो चीज वैल्यू गिरने के बाद जो फाइनल उसकी मनी वैल्यू आती है वो हम डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन युक्त वैल्यू या डेप्रिशिएशन डिडक्ट करके जो वैल्यू आ रही है वो फाइनल वैल्यू होती है। तो जब पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, हेयर द NNP इज कैलकुलेटेड विथ मार्केट प्राइस। अब दो प्राइस होती हैं यहाँ, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस अगर NNP हम मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम पे करते हैं GST वगैरह, वो इसमें इंक्लूड रहते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है वो एक्सक्लूड, वो उसमें जुड़ी नहीं रहती। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज 100। अगर हम एक साबुन या साबुन ना कहें, एक कैलकुलेटर कैलकुलेटर को बनाने में कंपनी के जो द्वारा जो कीमत लग रही है वो 100 रुपये है। ठीक है, एक कैलकुलेटर बनाने के लिए कंपनी के द्वारा जो पैसा लग रहा है, फाइनल जो खर्चा आ रहा है कैलकुलेटर बनाने में, वो 100 रुपये है। इफ़ गवर्नमेंट गिव्स अ सब्सिडी ऑफ 20 रुपीज़, गवर्नमेंट ने कह दिया है कि भाई आप 100 रुपये का आपका ये बनने में लग रहा है, फैक्टर कॉस्ट आपकी जो है 100 रुपये आ रही है, जो एक कैलकुलेटर को बनाने में आपका जो खर्चा आ रहा है वो 100 रुपये, लेकिन गवर्नमेंट आपको 20 रुपये सब्सिडी देगी। मतलब 20 रुपये तो गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को मिल गए, अब कंपनी को कितना और चाहिए, 80 रुपये। तो देन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट रिड्यूसेस बाई 20। अगर 20 रुपये की सब्सिडी हमें मिल गई है तो जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो 20 रुपये कम हो जाएगी, देखिए तो फाइनल वैल्यू प्रोडक्ट की जो है प्राइस जो है 80 होगी। तो दिस इज कॉल्ड NNP एट अ मार्केट प्राइस। तो इसमें क्या हुआ, सब्सिडी तो घटा दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए NNP एट मार्केट प्राइस हमने डिस्कस कर लिया, अब NNP एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप समझते हैं क्या होता है, पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में ओवरऑल जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि एक प्लांट हमें इस्टेब्लिश करना है, कम प्लांट हमें इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए लैंड की ज़रूरत है, ज़मीन की ज़रूरत है जहाँ पर प्लांट लगेगा, उस प्लांट पर काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, मतलब लेबर की ज़रूरत है, कैपिटल मतलब पैसा लगाना पड़ेगा वहाँ, एंटरप्रेन्योर मतलब ऑर्गेनाइजेशन और उसमें काम करने वाले लोग। ठीक है, तो फैक्टर प्रोडक्शन आपको समझ में आ गया, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। NNP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट नेशनल इनकम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनक्योर्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। NNP एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कैलकुलेटर को बनाने में 100 रुपये खर्चा आया है और उसी में जो है अपनी वो प्रॉफिट ऐड करके फाइनल वैल्यू जो बनती है उसे NNP एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। दिस कॉस्ट इज द पेमेंट मेड टू द फैक्टर प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन समझ रहे हैं, जो फाइनल खर्चा आया है उसकी जो ओवरऑल कॉस्ट है उसे हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट बराबर NNP एट मार्केट प्राइस। अगर NNP एट मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा दें और सब्सिडी जोड़ दें तो वो आ जाएगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है पर्सनल इनकम क्या होता है।
किसी भी कंट्री का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कंट्री का पर्सनल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम बराबर नेशनल इनकम, आप समझ रहे हैं, जीडीपी का जो मॉनेटरी वैल्यू है एक साल के अंदर वो नेशनल इनकम। अब इसमें क्या करेंगे, ट्रांसफ़र पेमेंट, ये टर्म, ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, फिर एक एक टर्म्स को मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसफ़र पेमेंट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट प्लस पेमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस, या इसे कहें पीआई बराबर नेशनल इनकम प्लस नेट ट्रांसफ़र पेमेंट। यहाँ हम ये सारी टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं एक बार, तब फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यूजुअली द कॉरपोरेट डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द होल प्रॉफिट टू शेयर होल्डर। आप ये अच्छे से जानते हैं कि जो कॉरपोरेट है, कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है या कंट्री है, वो जो पूरा जो एक साल में जो प्रॉफिट हुआ है वो पूरे प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर में बांटती नहीं है। शेयर होल्डर का यूज़ क्या है, उनसे पैसा लेकर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जाता है बिजनेस करने के लिए, फिर जब प्रॉफिट आता है तो उनको बांटा जाता है उनका हिस्सा। तो कॉरपोरेट क्या करते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर के, वो पूरा प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसका कुछ पोर्शन अपने पास रखते हैं कि अगर फ्यूचर में ऐसी ज़रूरत पड़ी हमें खर्च करने के लिए या बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, तो हम इस अमाउंट का यूज़ वहाँ कर पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कॉरपोरेट जो है पूरे प्रॉफिट को शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, उसका कुछ अमाउंट अपने पास रखता है फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। तो दिस इज़ कॉल्ड द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉरपोरेट। जो पैसा ये बचता है जो अपने पास रखा जाता है उसे ही हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉरपोरेट। अगला पॉइंट है पेमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस आर पेमेंट्स मेड टू बाय एम्प्लॉय टुवर्ड्स पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड। पेमेंट जो सोशल सिक्योरिटी के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो कौन सा पेमेंट है, पेंशन दी जाती है लोगों को, प्रोविडेंट फंड में जाता है पेंशन के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए। अब ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट होता है वो ऐसा पेमेंट जिसे हम देते तो हैं लेकिन वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में खर्च नहीं होता है। जैसे ओल्ड एज पेंशन देती है सरकार, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भत्ता देती है, डिजास्टर रिलीफ, कहीं बाढ़ आ जाए, डिजास्टर आ जाए तो उसके रिलीफ पेमेंट देती है, और अगर किसी से सरकार ने कर्जा ले रखा है तो उस पर इंटरेस्ट भी देती है, तो इसे कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। तो आप फॉर्मूला समझने की कोशिश कीजिए, पर्सनल इनकम क्या होती है, ट्रांसफ़र पेमेंट कितना ट्रांसफ़र किया आपने पेमेंट ओल्ड एज पेंशन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन के लिए, डिजास्टर रिलीफ के लिए, इंटरेस्ट के लिए और एटसेट्रा जो भी चीज़ें हैं, तो वो वैल्यू ट्रांसफ़र पेमेंट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉरपोरेट, जो हिस्सा आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है शेयर होल्डर में वो माइनस हो गया, प्लस पेमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी मतलब प्रोविडेंट फंड और पेंशन के लिए जो पैसा दिया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला फाइनल निकल के आता है पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम आपने समझी, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है, देखिए डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मीन्स द इनकम दैट इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स दैट कैन बी डिस्पोज इट देयर विल। एक ऐसी इनकम जो इंडिविजुअल्स के द्वारा उसकी इच्छा अनुसार खर्च की जा सके उसे हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। ऑल द पर्सनल इनकम कांट बी स्पेंड बाई इंडिविजुअल्स, दे हैव टू मेक डायरेक्ट टैक्सेस पेमेंट लाइक इनकम टैक्स एंड दीज हैव टू बी डिडक्टेड टू कैलकुलेट टीपीआई। मतलब पर्सनल इनकम है हमारे पास लेकिन उसमें हम कई सारे जो है डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स पे देते हैं। मान लीजिए दस फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं छोटा सा, मान लीजिए 10,000 रुपये हैं इनकम है, उसमें कहने को तो इनकम है वो हमारी 10,000 रुपये आ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हमने, इनकम टैक्स दिया तो उसमें से कुछ हिस्सा कम हो गया, बचा कितना जिसे हम खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए 1,000 रुपये इनकम टैक्स चला गया, ये मैं फाइनल कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेके दे बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए राउंड फिगर में 10,000 है, 1,000 हमें इनकम टैक्स देना है, मान लीजिए 1,000 हमने इनकम टैक्स दे दिया तो कहने को तो इनकम 10,000 आई लेकिन खर्च कितना कर पा रहे हैं हम उसमें से, 9,000, क्योंकि 1,000 तो डायरेक्ट टैक्स में चला गया। तो जो ऐसी इनकम जिसे हम अपनी इच्छा से खर्च कर सकें वो हमारे पास जो इनकम है उसे हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहते हैं। तो डीपीआई बराबर पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। आगे चलते हैं,
नेशनल इनकम को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से, या डिटरमिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, या कहें नेशनल इनकम को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो द स्टॉक ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, भाई अगर प्लांट, नेशनल इनकम क्या होती है, जो प्रोडक्शन हो रहा है एक साल के अंदर विद इन अ बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, उसकी मॉनेटरी वैल्यू। अब मॉनेटरी वैल्यू बढ़ेगी कब, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, जब उसके लैंड लेबर ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल ये भरपूर मात्रा में हो, तभी तो प्लांट अच्छे से चल पाएगा, तभी तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उस ज़्यादा मॉनेटरी वैल्यू आएगी जब वो सेल होंगे। तो द स्टॉक ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सफिशियंट होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लेबर, लेबर किस क्वालिटी की है और कितनी क्वांटिटी में है। भाई अगर किसी काम को हमें जल्दी ख़त्म करना है तो ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है, और अच्छे वे में ख़त्म करना है तो क्वालिटेटिव लेबर की ज़रूरत है, ठीक है। वो सब चीज़ें होनी चाहिए। कैपिटल, या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, इसके बिना काम नहीं चलता। पैसा तो होना चाहिए, वेदर फाइनेंस कराएं या पर्सनल हो आपका। एंटरप्राइज, द नंबर एंड स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी बंदे काम कर रहे हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो स्किल्ड होने चाहिए। कितने नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी, उस पर भी डिपेंड करता है कि नेशनल इनकम आपकी कितनी होगी। स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, अब ये नहीं है कि अब एक कंट्री एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जैसे कि मॉनेटरी वैल्यू में उसके फाइनल नेशनल इनकम ज़्यादा है। और एक देश है जो टेक्नोलॉजी का यूज ही नहीं कर रहा है, तो वो तो पीछे रह जाएगा, उसकी नेशनल इनकम तो कम होगी, जीडीपी कम होगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है जैसे और देश कर रहे हैं, जिससे हम और दूसरे देशों की नेशनल इनकम अपने देश के नेशनल इनकम से कंपेयर कर पाएँ। लास्ट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एक साल चली, सेंट्रल गवर्नमेंट एक साल चली, फिर गिर गई, फिर दूसरी गवर्नमेंट आई, तो एक साल में जो पॉलिसीज बनाई, फिर उन पॉलिसीज़ के बिहाफ पे लोगों ने काम करना शुरू किया, पता लगा काम करना शुरू ही किया था कि गवर्नमेंट गिर गई, अब दूसरी गवर्नमेंट आई उसने पॉलिसीज चेंज कर दी। ये सारी चीज़ें टैक्स रूल्स वगैरह, और जो भी बेनिफिट हैं, इलेक्ट्रिसिटीज़ फ्री, इलेक्ट्रिसिटीज़, वाटर, जो भी चीज़ें हैं, जो फैक्टर प्रोडक्शन है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, लैंड एक्विजिशन, ये सारी चीज़ें इनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर पॉलिटिकली तो जो गवर्नमेंट स्टेबल है तो वो सारी चीज़ें बड़े आराम से हो जाती हैं। तो ये आज हमने डिस्कस किया, आई होप द वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर समझ में नहीं आया है या कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो एक बार वीडियो को आप दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए, और पीछे का वीडियो जो मैंने आपको बताया जिसमें हमने जीडीपी डिस्कस किया है उसको भी आप देख लीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को देखने के लिए टू फील दैट रीजनल आईएएस वीडियोस आर हेल्पफुल देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब टू गेट ऑल अपडेट्स कमेंट्स एंड नेवर फॉरगेट टू शेयर।